शक्ति मेरे सामने मौजूद है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन्हीं के बीच से कुछ महिलाओं ने इस धरती के ऊपर इस हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया था जिनका नाम आज अपने इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। तो मैं दो पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, आपको पता लग जाएगा। पराक्रम की वो दीप्ति जवालर जलने को मचलाई थी, पराक्रम की वो दीप्ति जवालर जलने को मचलाई थी, सेना को जब लड़ते देखा घोड़े पर चढ़ आई थी, वो घोड़े पर चढ़ आई थी। बताइए कौन थी वो? वाह वाह क्या बात है, आप मनोरंजन करता हूँ मैं। पराक्रम की वो दीप्ति जवालर चलने को मचलाई थी, सेना को जब लड़ते देखा घोड़े पर चढ़ आई थी। 19 नवंबर को उनका जन्मदिन था। सेना को जब लड़ते देखा घोड़े पर चढ़ आई थी, संगीनों से टकर गई नारण में पीठ दिखाई थी, शीश अपना कुर्बान किया और शोहरत उसने पाई थी, झांसी वाली काल भैरवी लक्ष्मी रणचंडी कहलाई थी, वो रणचंडी कहलाई थी। बच्चे हमारे घरों में के अंदर भी रणदेव और रणचंडी होते हैं, लेकिन वहां पर वाक युद्ध होता है। बच्चे कई बार रणचंडी की तरफ हो जाते हैं तो कई बार रणदेव की तरफ हो जाते हैं, तो वहां ऐसे ही फैसले चलते रहते हैं। तो रणचंडी कहलाई थी, मेरी कविता का नाम है रणचंडी। तो आजादी तो क्रांति सिंगड़ी सी फिरंगी ऊर चढ़ी, वो शेरनी की तरह अंग्रेज सेना के सामने दबंग होकर खड़ी हो गई थी, सिंगड़ी सी फिरंगी ऊर चढ़ी और रण में जा टकराई थी, झांसी वाली काल भैरवी लक्ष्मी रणचंडी कहलाई थी। आजादी तो क्रांति सावन में थी, ना 47 तक गुलाम कहलाते, हम 1857 क्रांति में आजाद हो जाते हैं, ना 47 तक गुलाम कहलाते, जो झांसी को ना अलग समझते और रण के सर लहू बहा जाते, अंग्रेजों के ना पीठू बंतर झांसी का साथ निभा जाते, वो क्रांति वीरो ओरण धीरो सब सोनित अभिषेक लगाओ, माँ भारती को आजाद कराओ, ऐसा प्रेरक गीत बना जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रेरक गीत बना जाते, बस एका कर दिखा जाते, बेशक हथियार उठाते ना तुम रणनीति योग लगा जाते, बट शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द बैटलफील्ड फॉर डू एंड डाई एक्शन वाही। क्या वो भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी? आप रहो, अरे पैरेलल आ जाओ, कंटेम्प्रेरी डेंसिटी ऑफ दैट टाइम, आपने उस रानी झांसी का साथ क्यों नहीं दिया था? जब किसी ने साथ नहीं दिया तो बागों में उसके लिए फूल नहीं खिले थे, जब बागों ने ना फूल खिलाए हरे कांटों संग प्रीत लगाई थी, झांसी वाली काल भैरवी लक्ष्मी रणचंडी कहलाई थी। वो अग्नि जैसी दीप्ति ज्वाला फिरंगियों का काल बनी, फिरंगियों का काल बनी, राज कंवर को पीठ लगाया और ममता की मिसाल बनी, अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लगा लेगी रणभूमि में, राज कंवर को पीठ लगाया ममता की मिसाल बनी, वो महलों में गुंजन करने वाली रणभूमि की शान बनी, आजादी का बिगुल बजाने वाली नायिका बड़ी महान बनी, वो बज उठी थी रणभेरी। अब बच्चों युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जनरल हुरोल ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया था, वो बज उठी थी रणभेरी, अब तलवारों पे रंगत आई थी, झांसी वाली काल भैरवी लक्ष्मी रणचंडी कहलाई थी। अब किसी लड़ाई के मैदान में जब योद्धा कूच करते हैं तो माता और बहनें उनके हंसते हुए चेहरे को अपने हृदय में बसाना चाहती हैं, उनको रक्षा कवच बांधना चाहती हैं, हंसते हुए उनको विदा कर देती हैं, जाओ दुश्मन को बर्बाद करके आ जाओ। तो झांसी में कुछ ऐसा हुआ था, माँ बहनों ने कवच लगाए रणवीरों को सजते देखा, जब क्रोधा अग्नि भड़क उठी थी गोरों को सन्मुख देखा, जब घोड़े पर वो चढ़ आई थी जी, सेना को लड़ते देखा, जब रणभूमि में आदम की थी वो सेना को लड़ते देखा, जब फूली नहीं समाई थी प्रजा को भिड़ते देखा, जब पूरी प्रजा ने रानी झांसी का साथ दिया था। और इस लाइन के ऊपर देखना आप, फूली नहीं समाई थी प्रजा को भिड़ते देखा, जब इतिहास की बात है, ऐतिहासिक बात है, आपको याद होगी, प्रजा को भिड़ते देखा, जब चंडी सी नीचे कूद पड़ी वो घोड़े को रुकते देखा, जब क्या पता आपको घोड़ा रुक गया रानी झांसी का, अंतिम लड़ाई के अंदर एक छोटे से नाले को लांघने के लिए घोड़ा मना कर देता, अरे भागे घोड़े,
अरे क्या तू राणा प्रताप की तरह उसको लेकर ना उड़ जाता, यदि अपनी स्वामिनी को तुम उस नाले को क्रॉस करवा देता तो लड़ाई कुछ अलग ही परिणाम निकलते। चंडी सी नीचे कूद पड़ी जब घोड़े को रुकते देखा, जब दोनों हाथ तलवार उठाई, जब रोधर रूप में आई थी, झांसी वाली काल भैर में लक्ष्मी रण चंडी कहलाई थी। अब लड़ाई का बच्चे को औचित्य नहीं था, जरूर हुरोज ने चारों तरफ से छोटे से दस्ते को घेर लिया था, तो अंतिम फैसला रानी झांसी ने क्या कर लिया था, कटार लगाई सीने से भई खुद को गिरते देखा जब, कटार लगाई सीने से खुद को गिरते देखा जब, बिजली अंबर कोंद गई रानी को गिरते देखा जब। बिजली ने आकाशवाणी कर दी, ओ रानी झांसी तेरा नाम अमर रहेगा, जब जब योद्धाओं का जिक्र आएगा तेरा नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाएगा। बिजली अंबर कोंद गई थी रानी को गिरते देखा जब, दहाड़ मार कर बेटा रोया माता को मरते देखा जब, गोड़ी लगाने बेड़ी लगाने गोरे आए सिंघनी को सोते देखा जब, राज कुबेर सब कंगाल हुए माया झांसी को लुटते देखा जब, चित्कार लगा कर पंछी उड़ गए मृगनैनी को रुकते देखा जब, माता को मौत चली थी माता को ले मौत चली थी, बेटे की आग भर आई थी, झांसी वाली काल भैरवी लक्ष्मी रणचंडी कहलाई थी। अब आखिरी चरण में राजाओं से दो सवाल कर लेता हूं, आपने रानी झांसी का साथ क्यों नहीं दिया था, क्यों ना हम एक हुए थे, क्यों ना हम एक हुए थे, वतन की लाज बचाने को ताकत क्यों ना झोंकी थी, दुश्मन को सबक सिखाने को क्या पोस तुम्हारा झुक गया था, क्या तुम्हारी मर्दानगी झुक गई थी, क्या तुम्हारे अंदर पोर्स नहीं था, क्या पोर्स से तुम्हारा झुक गया था, लज्जा आंखें बसाने को अब इतिहास के मत पन्ने पलटो रे झूठी शान दिखाने को, गम में डूबी झांसी सारी, गम में डूबी झांसी सारी, जो अलविदा रानी को कर आई थी, सिंघनी सी फिरंगी ऊर छ। कई बच्चियां रो रही हैं बेटे, ये ऐतिहासिक बात है तो हमें इसके ऊपर रो नहीं होना चाहिए। सिंघनी सी फिरंगी ऊर चढ़ी और रण में जा टकराई थी, झांसी वाली काल भैरवी लक्ष्मी रणचंडी कहलाई थी, लक्ष्मी रणचंडी कहलाई थी। तो बेटे ओके ओके, आप लोगों ने मेरे को बच्चों में पसंद किया, तो मेरे को इससे ज्यादा सर ने मेरे को समय की बाध्यता बताई।